एक दिन जंगल के एक हिस्से में काला कौवा, टूनी चिड़िया, बतख और ट्विटी बर्ड मिलकर बैठते हैं। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा नए साहसिक कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम क्या नया करने का सोच रहे हैं? वा अलैकुम अस्सलाम कौवा, मैंने सुना है कि जंगल के पार एक जादुई झील है जिसमें एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, हमें जरूर उस झील को ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, मुझे भी खजाना देखने का बहुत शौक है। चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल के पार की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये रास्ता तो बहुत ही कठिन है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कौवा, हमें मिलकर इन मुश्किलों का सामना करना होगा। रास्ते में उन्होंने एक बड़ी नदी देखी जो उनके रास्ते में थी। मैं इस नदी को पार करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, आप सभी मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं। चारों दोस्त बतख की पीठ पर बैठकर नदी को पार करने लगे। धन्यवाद बतख, तुमने हमारी बहुत मदद की। नदी पार करने के बाद वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार जादुई झील के पास पहुँचे। देखो ये रही वह जादुई झील, अब हमें खजाना ढूंढना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि झील के आसपास कई जादुई जीव भी हो सकते हैं। झील के पास पहुंचकर उन्होंने झील के किनारे एक पुराना नक्शा देखा। यह नक्शा शायद हमें खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकता है, चलो इसे पढ़ते हैं। नक्शे में खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। चारों दोस्तों ने नक्शे के निर्देशों का पालन किया और झील के गहरे हिस्से में एक चमकदार वस्तु देखी। वह देखो, शायद यही खजाना है। मैं पानी में जाकर इसे बाहर निकाल सकती हूँ। बतख ने झील में गोता लगाया और खजाना बाहर निकाला। खजाना एक सुंदर सोने का बक्सा था जिसमें कई रत्न और जवाहरात थे। वाह, यह तो सचमुच अनमोल खजाना है। हमने मिलकर इस खजाने को पाया है, यह हमारी दोस्ती और मेहनत का फल है। चारों दोस्तों ने खजाने को बांटने का फैसला किया और यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को उसका हिस्सा मिले। दोस्तों हमने ये खजाना मिलकर पाया है और इसे मिलकर ही बांटना चाहिए। हाँ यही सही तरीका है, हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चारों दोस्त अपने अनमोल खजाने के साथ वापस जंगल की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो खजाना पाया है उसका क्या करना चाहिए। हमने यह खजाना पाया है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, हमें इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए करना चाहिए ताकि सभी को इसका फायदा हो। मैं सोच रही हूँ कि हम जंगल में एक सामुदायिक केंद्र बना सकते हैं जहाँ सभी जानवर आ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। यह बहुत अच्छा विचार है बतख, हम उस केंद्र में सभी जानवरों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। चारों दोस्तों ने इस निर्णय पर सहमति जताई और जंगल में अपने सामुदायिक केंद्र को बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने खजाने का उपयोग केंद्र के निर्माण के लिए किया और सभी जानवरों को इस नए केंद्र की जानकारी दी। हमने इस खजाने का उपयोग सभी की भलाई के लिए किया है। यह केंद्र सभी जानवरों को एकजुट करेगा और उन्हें एक दूसरे की मदद करने का मौका देगा। यह हमारे जंगल के सभी जानवरों के लिए एक नई शुरुआत है। हाँ, और हमें गर्व है कि हमने यह सब मिलकर किया है। सभी जानवर केंद्र के उद्घाटन के लिए इकट्ठे हुए और चारों दोस्तों की प्रशंसा की। काला कौवा, टूनी चिड़िया, बतख और ट्विटी बर्ड, आप सभी ने हमारी समुदाय के लिए एक महान कार्य किया है। ये केंद्र हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद, ये सब हमने मिलकर किया है और यह हमारी एकता का प्रतीक है। सभी जानवरों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया और केंद्र का उपयोग करने लगे। समय के साथ यह केंद्र जंगल के सभी जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया जहां वे मिलते, सीखते और एक दूसरे की मदद करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हम न केवल स्वयं को बल्कि अपने समुदाय को भी सशक्त बनाते हैं। काला कौवा, टूनी चिड़िया, बतख और ट्विटी बर्ड की दोस्ती और सहयोग ने यह साबित किया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। उनकी एकता और समर्पण ने जंगल को एक बेहतर स्थान बना दिया। सामुदायिक केंद्र की सफलता से प्रेरित होकर काला कौवा, टूनी चिड़िया,
बतख और ट्विटी बर्ड ने सोचा कि उन्हें और भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए। वे सभी जंगल के बाकी हिस्सों में मदद के लिए जाने का फैसला करते हैं। हमने सामुदायिक केंद्र बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, अब हमें देखना चाहिए कि और कहां कहां मदद की जरूरत है। हाँ, जंगल के बाकी हिस्सों में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिनका समाधान हम मिलकर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक टीम बनानी चाहिए जो जंगल में घूमकर जानवरों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। यह बहुत अच्छा विचार है बतख, हम सभी जानवरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चारों दोस्तों ने अपनी टीम का नाम जंगल सेवा दल रखा और अपने मिशन पर निकल पड़े। पहला गांव जिसमें वे पहुंचे वह एक सुंदर झील के किनारे था। वहां के जानवरों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। हमारी झील में पानी की कमी हो रही है और हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ये एक गंभीर समस्या है, हमें देखना होगा कि झील में पानी की कमी क्यों हो रही है। हमारे पास एक योजना है, हम झील के आसपास के इलाकों की जांच करेंगे और देखेंगे कि कोई पानी की आपूर्ति रोक रहा है या नहीं। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि झील के पास कुछ पेड़ गिर गए थे और पानी का रास्ता बंद हो गया था। उन्होंने मिलकर उन पेड़ों को हटाया और पानी का रास्ता खोल दिया। अब पानी फिर से झील में आ सकेगा। हमें इसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि यह समस्या फिर से न हो। उन्होंने गांव के जानवरों को पानी के उपयोग और संरक्षण के बारे में शिक्षित किया और उनके साथ मिलकर झील की देखभाल करने के लिए एक योजना बनाई। जंगल सेवा दल ने अपनी यात्रा जारी रखी और अगले गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है और जानवरों को बचाने की जरूरत है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, आग को बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत है। मैं और कौवा पानी लाने जाएंगे, तुम दोनों जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। काला कौवा और बतख ने मिलकर झील से पानी लाया और आग को बुझाने का काम किया। दूसरी ओर टूनी चिड़िया और ट्विटी बर्ड ने जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जल्दी करो, हमें और पानी की जरूरत है, आग बहुत तेजी से फैल रही है। कड़ी मेहनत और सहयोग से उन्होंने आग को काबू में कर लिया और सभी जानवर सुरक्षित रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करने के लिए एकजुट होते हैं तो हम सबसे बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं। काला कौवा, तूनी चिड़िया, बतख और ट्विटी बर्ड की टीमवर्क और सहयोग ने यह साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। उनकी एकता और समर्पण ने जंगल को एक बेहतर स्थान बना दिया और उन्हें सच्चे नायकों के रूप में स्थापित कर दिया। एक दिन जंगल के एक हिस्से में टूनी चिड़िया, काला कौवा और उनका नया दोस्त छोटा भीम मिलकर बैठे हुए थे। वे सब बेहतरीन दोस्त थे और हमेशा नए कारनामे अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। नमस्ते दोस्तों, आज क्या नया करने का प्लान है? नमस्ते टूनी, सुना है कि जंगल में कहीं एक बड़ी मिठाई की दुकान है जिसमें बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प बात है, हमें जरूर उस दुकान को खोजना चाहिए। तीनों दोस्तों ने तुरंत अपनी मुहिम की शुरुआत की और जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़े। चलते चलते उन्हें वास्तव में एक बड़ी मिठाई की दुकान नजर आई। यह देखो, यह दुकान तो वास्तव में बहुत बड़ी और खूबसूरत है। हाँ, और देखो अंदर कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। हमें अंदर जाकर मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए। तीनों दोस्तों ने दुकान में जाकर मिठाइयाँ खरीदनी शुरू की, लेकिन काला कौवा को लालच ने आघेरा और वह दुकान से ज्यादा मिठाइयाँ उठाने लगा। काला कौवा, इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों ले रहे हो? हमें बस जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी चाहिए। मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए, मैं सब खाना चाहता हूँ। काला कौवा, लालच अच्छी बात नहीं है, हमें बस जितनी जरूरत है उतनी ही लेनी चाहिए। काला कौवा ने उनकी बात नहीं मानी और मिठाइयाँ उठाने लगा। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, दुकान का मालिक आ गया। रुक जाओ, तुमने बहुत सारी मिठाइयाँ चुराई हैं, यह गलत है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यह सब किया। हम माफी चाहते हैं, हम ये मिठाइयाँ वापस करते हैं और फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें लालच की सजा मिल गई है, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। दुकान के मालिक ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और उन्हें नसीहत दी कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है।
तीनों दोस्तों ने इस बात को याद रखा और वापस जंगल की तरफ लौट गए। लालच की सजा हमें हमेशा मिलती है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक लेना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और इस तरह हमारे दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और अपनी गलतियों से सबक लेते हुए एक बेहतर जीवन जीने का संकल्प लिया।